सोशल मीडिया पर 85 साल के नारायण दाभाडकर की कहानी वायरल हो रही है। ट्विटर पर कई ट्वीट में कहा गया कि नागपुर के रहने वाले दाभाडकर कोरोना संक्रमित थे, उनकी हालत नाजुक थी और बहुत मशक्कत के बाद दाभाडकर के घर वालों ने उन्हें नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी रुग्णालय अस्पताल में भर्ती कराया। कहा जा रहा है कि नारायण दाभाडकर ने अपना बेड एक दूसरे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को दे दिया और घर वापस आ गए, जिसके 3 दिनों बाद उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर दाभाडकर की कहानी तेजी से फैली। उनका नाम हिंदूवादी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जोड़ दिया गया, जिसके बाद कई भाजपा नेताओं ने भी नारायण दाभाडकर को लेकर ट्वीट किया। हालांकि अब दाभाडकर के दूसरे कोविड मरीज के लिए बेड छोड़ने की कहानी पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर पर 85 वर्षीय बुजुर्ग के लिए लिखा, दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा करते हुए नारायण जी 3 दिनों में ही इस संसार से विदा हो गए। समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक ही ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि अस्पताल के इंचार्ज शीलू चिमूरकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 22 अप्रैल को शाम 5:55 पर दाभाडकर को भर्ती किया गया था और हमने उन्हें कैजुअल्टी वार्ड में ऑक्सीजन बेड दिया। हमने उनके साथ आए रिश्तेदारों से कहा कि उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें और अच्छे अस्पताल में ले जाना होगा। वे मान गए और चले गए। वे शाम 7:55 पर लौटे और दाभाडकर को डिस्चार्ज करने की मांग की। हम इसका कारण नहीं जानते, लेकिन उन्हें सलाह दी कि बुजुर्ग को अच्छे अस्पताल ले जाया जाए। उनके दामाद अमोल पचपोर के एक कंसेंट लेटर पर हस्ताक्षर करने के बाद हमने उन्हें चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ छुट्टी दे दी। वहीं दाभाडकर का अपना बेड कोरोना संक्रमित दूसरे मरीज को देने के दावे पर अधिकारी ने कहा कि उस दिन अस्पताल में ड्यूटी पर लगे स्टाफ को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। दाभाडकर की बेटी ने दावा करते हुए कहा कि उनके पिता ने कहा था कि वो घर जाना चाहते थे। इसके बाद वो अपने बेड 40 वर्षीय युवा मरीज को देना चाहते थे, जिसकी उसे जरूरत थी। जबकि नागपुर महानगर पालिका का कहना है कि बेड छोड़ने के बाद मरीज तय नहीं करते कि उनका बेड किसको दिया जाए, बल्कि मरीजों की हालत देखकर उन्हें जगह दी जाती है। यहां तक कि बहुत छानबीन करने के बाद भी उस मरीज की कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी, जिसे कथित तौर पर नारायण का बेड दिए जाने का दावा किया गया है। वहीं कई भाजपा नेताओं और सोशल मीडिया यूजरों ने बुजुर्ग को RSS कार्यकर्ता बताया है। संस्था के प्रचार प्रमुख अनिल साबरे ने भी नारायण दाभाडकर को श्रद्धांजलि दी है। हालांकि अभी तक खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।